आप तो मिसाइल ला करके हम लोगों को जो है कि खत्म कर दिए, बिहार के अभ्यर्थियों का गला घोट दिए। योग्य शिक्षक लाएंगे, शिक्षा मंत्री बोले ना, योग्यता दिखाने उनको गए थे कल उनके आवास पे, मिले ही नहीं। अरे अयोग्य वो खुद है, नौवा फेल में उनको योग्यता दिखता है, हम अभ्यर्थी उनको योग्यता नहीं दिखता है। या पीएम छोड़िए, आप पीएम बनने के काबिल नहीं रहे। इनके शिक्षा मंत्री जी कहते हैं उनको शिक्षक नहीं मिल रहा है, या योग्य शिक्षा मंत्री है, इनको पशुपालन विभाग दिया जाए। नमस्कार, मैं कृपा शंकर, आप इनसाइडर लाइव देख रहे हैं। आपको बताते चले कि जिस तरीके से बिहार सरकार ने शिक्षकों के लिए एक तरीके से कहे तो युवाओं के रोजगार के लिए जिस तरीके से पिटारा खोली, लेकिन ठीक लगातार परिवर्तन पे परिवर्तन, अब डोमेसाइल नीति में जिस तरीके से परिवर्तन किया गया उससे बिहार के ही पूरे छात्र जो शिक्षक अभ्यर्थी सड़क पर आ गए हैं और अलग अलग जगह अपने अपने अंदाज में प्रदर्शन कर रहे हैं। अब आप लोग पटना भरने की बात कर रहे हैं तो क्या करें, आप डोमिसाइल ला करके हम लोगों को जो है कि खत्म कर दिए, बिहार के अभ्यर्थियों का गला घोट दिए, तो हम लोग क्या करेंगे। योग्य शिक्षक लाएंगे, शिक्षा मंत्री बोले ना, योग्यता दिखाने उनको गए थे कल उनके आवास पे, मिले ही नहीं। नहीं तो सब कागज पत्र लेके गए थे, बताते कि हम लोग योग्य है कि अयोग्य है। अरे अयोग्य वो खुद है, तब उनको लगता है कि पूरा बिहार जो है कि अयोग्य है, क्योंकि उनको ये मालूम ही नहीं है कि हर साल बिहार में यूपीएससी से टॉप करते हैं, उनको ये मालूम ही नहीं है। वो खुद अयोग्य है, इसलिए हम सबको अयोग्य कहते हैं। और दूसरी बात कि वो जो है ना डोमिसाइल खत्म करके उन्होंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारा है, उनको बताएंगे, नौवा फेल में उनको योग्यता दिखता है, हम अभ्यर्थी उनको योग्यता नहीं दिखता है। वो अपने आँख से पट्टी जितना जल्द हटा सके हटा लीजिए, नहीं तो अभ्यर्थी अब आपको उखाड़ के फेंक देगा। कल आप लोग आंदोलन करिएगा, कहाँ कहाँ? हम लोग कल गांधी मैदान, गांधी मूर्ति सामने जमा हो रहे हैं, पूरे बिहार के अभ्यर्थी पहुँच रहे हैं, लाखों अभ्यर्थी आएंगे और हम लोग वहाँ से पैदल मार्च करेंगे और सरकार को संदेश देंगे कि अभी से भी संभालिए, नहीं तो दिन ज़्यादा दूर नहीं है कि आप पीएम छोड़िए, आप पीएम बनने के काबिल नहीं रहे। गांधी मैदान से कहाँ मार्च करेंगे? पैदल मार्च पटना जाएंगे, पटना में भ्रमण करेंगे। एक तरीके सड़क पर आप लोग उतरेंगे? जी, सड़क पर हम लोग उतरेंगे। ताकत दिखाइए जी, ताकत है। हम एक बात कहना चाहते हैं, जिस ओर जवानी चलता है उस ओर जमाना चलता है, तो हम युवा के साथ वो छल करेंगे, तो उनको ये संदेश देंगे कि संभल जाइए, नहीं तो आप पीएम तो बाद में बनिएगा, यहाँ पीएम बनने लायक रहिएगा कि नहीं रहिएगा, ये उनको बताने का। स्टेट के आप लोग क्वालिफाई भी हैं और लगातार आंदोलन करते रहे, उस समय कहा गया कि आश्वासन दिया गया, लेकिन अचानक से बीपीएससी के इतने दिनों से हम योग्य थे, इतने दिनों से योग्य थे, कहते थे कि रुक जाइए आपको नियुक्ति देंगे, वो समझते थे। और जैसे ही जब अब नौकरी देने की बारी आई, रोजगार देने की बारी, तो पलट गए। हम लोग जानते हैं वो पलटू चाहता है, पलट जाते हैं। फिर भी तैयार थे, लेकिन जो मिसाइल नीति के कारण, दो मिसाइल नीति के कारण आप तो सीधा गला घोट दिए। आप पूरे भारत से जो है कि फॉर्म डलवा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा? अरे आप तुलना करें महाराष्ट्र से, आप कहाँ हैं और महाराष्ट्र कहाँ हैं, आप तुलना कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भर्ती प्रक्रिया रुक जाती है, भर्ती परीक्षण, अरे बीपीएससी से देने का जरूरत नहीं था, बीपीएससी से परीक्षा ले क्यों रहे हैं? आपको बीपीएससी से देने का जरूरत नहीं था, आप शिक्षा विभाग क्या नहीं ले सकता परीक्षा? आपने अब कल आप यूपीएससी से परीक्षा दे दीजिएगा, कहिए कि उसका जितना नियम कानून है वो ला देंगे, ऐसे थोड़ी होता है। आप परीक्षा ले रहे हैं टीचर का और आप बीपीएससी का कर रहे हैं नियम कानून इस पर लाद रहे हैं, तो बीपीएससी का स्केल पर दीजिएगा। आप बीपीएससी का जो सब कुछ आप 20,000 देते हैं शिक्षा को बनाते हैं और कहते हैं कि बीपीएससी आयोग से परीक्षा लेंगे, यूपीएससी से परीक्षा लेंगे। अरे महाराज, पहले 20,000 जो देते हैं उसमें आपको यूपीएससी का शिक्षक चाहिए, तो अब दीजिए यूपीएससी की जितने फैसिलिटी है सब दीजिए, वो नहीं देंगे। चलिए, और अभ्यर्थी हैं, जिस तरीके से डोमेसाइल नीति अचानक ला करके एक तरीके से कहा जाते हैं अभ्यर्थियों को एक तरीके से हमला किया गया, जो तैयारी में लगे हुए थे खासतौर से। बिल्कुल, देखिए जो शिक्षक अभ्यर्थी थे, एक तो हम लोग को परीक्षा लेना नहीं था, सरकार को लेना नहीं चाहिए था, हम लोग को नियुक्ति करना चाहिए था, हम लोग नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे थे, हम लोग को एडमिट कार्ड थमा दिया, चलिए हम लोग एग्जाम एक्सेप्ट किए। लेकिन उसके बाद डोमिसाइल नीति लागू करके जब कोई नियम बनता है कैबिनेट से पास होता है और सरकार के तमाम वित्त विभाग हो चाहे विधि विभाग हो, सभी विभाग से वो नियमावली पास होने के बाद ही जब कैबिनेट से पास होता है, जब उसके बाद नियमावली मार्ग बाहर आता है, तब समझ लिया इस जिस समय नियमावली पास हो रहा था, पास हुआ उसमें विधि विभाग से अनुमोदन प्राप्त था, और ऐसा क्या हो गया जो 15-20 दिन बाद जाकर के जो ये डोमिसाइल नीति लागू कर दिए। तो नीतीश कुमार जी ये सारा चीज़ प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में किए हैं और बिहारियों का ये समझ लीजिए बिहार के हक को छीना जा रहा है। हम भर्ती के बीच में इस तरीके का परिवर्तन नहीं, इनको इनका नीति साफ नहीं, नियत साफ नहीं है। अगर इनको भर्ती करना रहता तो इस तरह से नहीं करते, ये शिक्षा के अभ्यर्थियों को भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। और इनके शिक्षा मंत्री जी कहते हैं उनको शिक्षक नहीं मिल रहा है, या योग्य शिक्षा मंत्री है, इनको पशुपालन विभाग दिया जाए, क्योंकि वही विभाग ऐसा है जो वो संभाल सकते हैं, दूसरा किसी विभाग के बारे में उनको जानकारी नहीं है। अब प्रोफेसर जो लिया लगाते हैं कि गरिमा प्रोफेसर वर्ड को भी अपमानित करने का काम कर रहे हैं। अब समझिए जो बिहार हम लोग जितना अभ्यर्थी है यहाँ पे मैथ के हैं, फिजिक्स के, इंग्लिश के टॉप करते हैं,
बिहार का बच्चा हर यूपीएससी हो, चाहे मेडिकल नीट का एग्जाम हो, चाहे जेई का एग्जाम हो, तमाम परीक्षा में, तमाम प्रतियोगिता परीक्षा में, एसएससी सीजीएल हो, सभी जगह बिहार के बच्चे टॉप करते हैं। इनको बिहार में योग्यता नज़र नहीं आ रहा है, तो इनमें योग्यता नहीं है, बिहार में पूरा योग्यता है, इन्हीं में योग्यता नहीं है या अयोग्य है, इसलिए इनको पद से हटा करके दूसरा मंत्रालय दे दिया जाए। कल यानी पटना में, पूरे पटना में एक तरीके से कहे तो सड़कों पर उतरेंगे छात्र? बिल्कुल, हम लोग देखिए, कल हम लोग सरकार को अल्टीमेटम दिए थे 72 घंटा का, ये 72 घंटा खत्म होने वाला है और सरकार अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया है, इसलिए हम लोग कल जो है शांतिपूर्ण तरीके से गांधी जी के रास्ते पे चल करके कल हम लोग का प्रदर्शन होगा और हम लोग गांधी मूर्ति के पास 10 बजे पूरे बिहार के अभ्यर्थियों से हमारा आग्रह है, जो शिक्षा की भर्ती है, अपने हक के लिए पटना आइए, अन्यथा आपकी हकमारी कर दी जाएगी और आप पढ़ाई करते रह जाइएगा लेकिन आपके सीटों पर किसी और को ले लिया जाएगा। 2 महीना आपको समय दिया गया है तैयारी करने के लिए और समझ लीजिए किसी अन्य राज्य में जो है लगातार पहले से सुपरटेट होते हैं, वो लोग 3-4 साल से तैयारी करते आ रहा है, यानी कि जो 40% सीट है उसमें जनरल एससी एसटी ओबीसी जितना भी रिजर्व कैटेगरी है सभी बच्चे उसमें जा सकते हैं, 40% जो सीट बच रहा है 60% के बाद, यानी कि उस पर बिहार ही जाता, चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, ठीक है, अपने कैटेगरी के बाद उसमें जाता, लेकिन अब क्या होगा, दूसरे राज्य के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं दूसरे राज्य के लोग इसमें आ जाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं बिहारियों के साथ धोखा है, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और अविलंब सरकार डुमिचाल नीति लागू करे। देखिए किस तरीके से तमाम जो अभ्यर्थी हैं उनका साफ साफ हमने बात किया अभ्यर्थियों के, तो उनका साफ साफ यही कहना है कि कल हम लोग गांधी मैदान के गांधी मूर्ति के पास से एक शांति तरीके से हम लोग मार्च निकालने वाले हैं, पटना की सड़कों पर उतरेंगे और ताकत दिखाएंगे बिहार सरकार को, शिक्षा मंत्री को, देखिए कि हम लोग जो योग्य अभ्यर्थी हैं आप लोग जिस तरीके से गुमराह कर रहे हैं, डोमिसाइल नीति लागू करके जिस तरीके से परिवर्तन करके उसको आप काले कानून के एक तरीके से साफ साफ कहना कि उसको वापस लीजिए, नहीं तो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे जिस तरीके से हम लोग अल्टीमेटम दिए थे 72 घंटे का, कहीं ना कहीं उसके लिए हम लोग उतर रहे हैं और आप इस नियम को वापस करिए। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहे।